सबसे नाजुक कड़ी क्या होती है कुलचे की बनाने की? उसको आटा लगाना है या तंदूर में पकाना? हाँ जी, तंदूर पकाना जी। तंदूर में पकाना? हाँ जी। तंदूर में को 1921 हो गया तो गया गया पूरा लच्छा पता चल रहा है, और ये नॉर्मल नान पूरा पता चल रहा है। क्रश करोगे ना और खिलाओगे तब निकलेगा बढ़िया चीज। ये आ गया जी आपका नान, ठीक है जी। अच्छा टेस्ट करते हैं भाई, बहुत खस्ता बनाया है और उसमें बहुत ज्यादा मतलब मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल अमाउंट्स ऑफ बटर डाला है। जलंधर का आपको ब्रेकफास्ट दिखा रहे हैं आज, बहुत सारी चीज होने वाली है आज की वीडियो में। अमृतसरी कुलचों से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा सफर रहेगा। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेजी पाजी गरम गरम करारे करारे कुलचे सेकते हुए एक हम लोग अपना भी लगवाते हैं। विष्णु जी के यहाँ पे आए हुए हैं, कौन सा है इसका एड्रेस क्या पड़ता है एक बार बताइए। एड्रेस सर बन जाता है अपना डन मोहल्ला। अच्छा नियर कार वाली कोठी। कार वाली कोठी के पास एकदम ऐसी करारे करारे कुलचे हमारे भी लगा दीजिए। ठीक है सर, जरूर। ठीक है जी, बिल्कुल लगाएंगे सर। अब ये तो आप पहले कस्टमर को दे दीजिए जिनका है, फिर हमें दिखाइए कैसे बनाते हैं क्या है। ये चूर चूर नान बोल दो इसको, अमृतसरी कुलचा बोल दो, एक ही बात है कि नहीं? हाँ, हाँ। आलू प्याज लोग ज्यादा पसंद करते हैं इधर। हाँ जी भाई। तो हम भी आलू प्याज खाएं या मिक्स खाएं? मिक्स खाएं, मिक्स खाएं। मिक्स ट्राई मार लो, मिक्स ट्राई मारो। रोज आलू प्याज खाते हो, विष्णु जी कह रहे हैं आज मिक्स खाओ जी। इसका मैं ये देख रहा हूँ इसका पूरा प्रोसेस ना, वो जैसे पैटी बनती है ना बेकरी वगैरह में, वो जैसे लच्छे पराठे में हर लेयर में क्यों डालते हैं, इसमें मक्खन डालते हैं, रोल रोल कर करके उसके पेड़े तोड़ लेते हो, आइडिया रहता है। कितने साल हो गए आपको बनाते हुए? सर मुझे हो गया कम 30-35 साल हो गए जी। अच्छा इसी काम में? इसी काम में, हाँ जी, इसी काम में। और ये दुकान कितनी पुरानी है? ये दुकान हो गई 12-13 साल हो गए सर। अच्छा तो तजुर्बा है आपको, कुलचा आग बंद करके भी बना लोगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश कर लोगे? आलू प्याज और कसूरी मेथी और अलग अलग पेड़े पूड़े डाल डूल के, किसी को तीखा खाना है जैसे खाना है, हमारा एक्स्ट्रा तीखा बनाइएगा। एक्स्ट्रा तीखा नहीं मतलब ठीक ठीक तीखा। ये मिक्स वाली स्टफिंग आ गई, इसमें आलू पनीर गोभी, अच्छा मिर्चा सब कुछ रहता है। अच्छा ये वाला जो बनाया है और ये पेड़ा बनाया, इसमें क्या फर्क रहा? इसमें फर्क ऐसे आता है ना, ये बन जाएगा आपका चूर चूर बन जाएगा, ये परोठे टाइप का होता है। अच्छा ये परोठे, तो हमें कौन सा वाला खिलाएंगे आप? आपको ये बना रहा हूँ परोठे वाला, परोठे वाला लच्छे वाला चूर चूर नान बना रहे। अच्छा चूर चूर नान वाला वो नान है? हाँ ये चूर चूर नान, ये चूर चूर नान है। अच्छा वो जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं स्टफिंग वाला लच्छा पराठा लगा लो एक तरीके। अच्छा इसका क्या प्राइस है? इसका सर 65 रुपए। पनीर वाले का 65 है, आलू वाले का 45 है ये। अच्छा मैं देख रहा हूँ इसके अंदर जैसे नॉर्मल लच्छा पराठा जैसे रहता है ना वैसे लेयर कर रखी और उसको ऐसे ऐसे लोड 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 करके एक बार ना इधर की तरफ दिखाइएगा। ठीक है स्टफिंग 1/2-4 के। अब इसमें जो मक्खन डाला वो काम आएगा आपका, जो इसने चार बार आपने इसको फोल्ड करा ना? हाँ जी हाँ जी। उसकी सारी परतें खुल जाएंगी? हाँ जी खुल जाएगा। ऐसा क्या? हाँ उधर हाँ टक 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 टक। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक भी देना पड़ता है ना। ठीक है जी। और इनका ये वाले इनका क्या प्राइस रहता है? इनका प्राइस जी अगर अमूल मक्खन से 40 रुपए का जी, नॉर्मल मक्खन 50। अच्छा वैसे लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं, नान पसंद करते हैं या लच्छा वाले पसंद करते हैं? सर ज्यादातर यही नॉर्मल नान वाले, ये थोड़ा खास वाली चीज होगी, स्पेशल वाली। ये जिसको पता है उसी को याद, उसी को पता है। हाँ या फिर मेन्यू देख के फिर बता देते हैं। हाँ मेन्यू देख के क्या आपसे पूछे विष्णु भाई? हाँ। पर सबसे बढ़िया क्या है वो खिलाओ। ओ हाँ, ये, अपने स्पेशल आइटम खिलाओ तो ये आपकी स्पेशल आइटम होगी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा ये नॉर्मल वाली है पर खस्ता ये भी हो जाती है? हाँ जी ये भी हो जाती है क्योंकि मक्खन वगैरह डाला। ये डबल खस्ता होगी शायद? हाँ जी हाँ जी। ये दो बार आएगा ना, एक बार एक बार तो ये अपने इसको करा और एक बार वो जो मक्खन खुलेगा जाके तंदूर में पड़ते खुलेंगे। बिल्कुल। कितने से कितने बजे तक रहते हैं सर? सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। 9 से 4 तक। नाश्ता मान लो इसको है? हाँ जी। लेट ही नाश्ता करते हैं जलंधर में लोग। सुबह वॉक करी, मॉर्निंग वॉक करी और उसके बाद लच्छे पराठे पे अटैक करा, कुलचे पे अटैक करा, छोले और वो चटनी चुटनी के साथ। चलो ये एक बार बनते हैं इसको, अब ये जा ही रहे हैं शायद तंदूर में ही जा रहे हैं। हाँ हमारा वाला एकदम करारा कर देना, एकदम करारा। टक 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 फास्ट, आपका हाथ बड़ा फास्ट चल रहा है। डन 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 डन।
नवी से। कभी कुलचे अंदर जाके फट भी जाते हैं? बहुत मतलब कम चांस होता है। हाँ पहले होता होगा। स्टार्टिंग में कैसे फिर वो उसको सील कैसे करते हो कि मतलब ना अंदर फटे, उसका कैसे ध्यान रखते हो? उसका ध्यान रखना पड़ता है ना बार बार, उसको कहीं नीचे सीक लगा देते हैं कभी कहीं। अच्छा फिर टिका रहे। हाँ ये फर्क देखो दिख रहा है, ये लच्छा पूरा पता चल रहा है, ये देखो पूरा लच्छा पता चल रहा है और ये नॉर्मल नान पूरा पता चल रहा है पूरा सारा। हाँ कह रहे हैं ऐसे ही थोड़ी बनाया हम लोगों ने। आप डाउट कर रहे हो? मक्खन इसमें लोडेड पड़ता है, मतलब डबल ट्रिपल मक्खन ट्रीटमेंट, अभी तीसरी बार पड़ रहा है शायद मक्खन इसमें, फिर जब खाएंगे तब और पड़ेगा, जब मक्खन कुलचे हो जाएंगे बाहर निकालेंगे एक बार मक्खन लगा के फिर लगाएंगे। मक्खन बड़ा लगाते हैं ग्राहकों को आप। तभी दुनिया चलती है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हम आपको मक्खन लगा रहे हैं थोड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जी। पाजी आलू लिया बच्चे, आलू बड़ा ना शुरू बढ़िया। हाँ कसूरी मेथी और धनिया दाना का। हाँ करो 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 करो, चालू ही है कभी बंद ही नहीं हुआ। लो एकदम करारा निकलना चाहिए विष्णु भाई, बस चिंता ना करो। हाँ पापड़ जितना करारा निकलेगा, आप जब खाओगे तो फिर पता लग जाएगा आपको। हाँ कि विष्णु भाई क्या चीज है, नान क्या चीज है, नान क्या चीज है, नान क्या चीज है। कितना 5 मिनट जाएगा अंदर? हाँ जी पाँच छः मिनट में। सूखा आटा चिपकाने के लिए लगाते हैं पीछे? नहीं जब ज्यादा गीला होता है ना। हाँ तो वह हाथ से ना छूटते। हाँ ज्यादा गीला होता है ना चिपकने के लिए। अच्छा जगह बची है तंदूर में? और अभी तो और लग जाएगा। अच्छा तंदूर का तापमान कैसे देखते हैं कि सही है कि नहीं है? पता लग जाता भाई यार। आपका फोन आ रहा है, फोन सुन लेता हूँ। मैं लगा देता हूँ, लगाओ। हेलो। हाँ जी भाजी। नहीं कोयला नहीं पे ना, लकड़ पे दे जी भाजी। हाँ इसका तापमान कैसे रखते हैं आप, कैसे ध्यान रखते हैं कि ज्यादा गर्म ना हो गया, ज्यादा ठंडा ना हो गया? गर्म ज्यादा ना हो गया इसलिए ना पता लग जाता है थोड़ा सा ना, हम नमक और पानी का छिट्टा मार के ना थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा मारते हैं तो वो बुलबुले ऊपर आए, मतलब ज्यादा गर्म है। साइडों में जो आप देख लेते हैं ना सेट है कि नहीं है। हाँ। थोड़ा सा नमक का पानी करके ना छिट्टा मार दे, हमें पता लग जाता है तंदूर सेट हो गया। और ज्यादा ठंडा तो फिर लगेगा नहीं, वो तो हाथ से ही सेक के पता चल जाएगा कि अभी ठंडा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो अब हमारा लगता है एक बार तो आपको दिखाते हैं फुल सेट। आई थिंक वो वाला हमारा लगा हुआ है, इस साइड लगा देखो आपका, ये लगा दिया ना बस। समझ गए ना आपको करारा? मैं क्या बहुत करारा। ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। ठीक है जी आप बाकी बनाइए, जब एक बार निकलेगा तो बताना। ठीक है सर। ठीक है जी, डेली कस्टमर आलू लिया जल्दी। हाँ कद्दूकस वही पूछ रहा हूँ, पहले कद्दूकस क्यों किया, डायरेक्ट मसला क्यों नहीं है इसको? नहीं डायरेक्ट मसला करेंगे तो मोटे मोटे रह जाएगा ना, मोटा मोटा रह जाएगा। अब ऐसे पूरा सही रह जाएगा, ऐसे पूरा सही रहेगा। अच्छा हाँ जी भाई, हाँ जी लम्स नहीं बनेंगे ना ऐसे, लम्स नहीं बनेंगे, लम्स बन जाते ना। राकेश है इधर आना बाहर, मक्खन निकाल बेटा, मक्खन डाल। थोड़ा सा जो बच गया उसको करारा करने के लिए। हाँ जी ये सिंपल वाला है, अभी देखने में इतना खस्ता लग नहीं रहा, पर इसको जब क्रश करोगे ना खिलाओगे तब निकलेगा बढ़िया चीज। अभी ऐसा लग रहा परौंठे जैसा। और जो हमारा लच्छा वाला है वो अभी निकलने वाला है, देख रहे हो कितने बढ़िया सिक्के निकल रहे हैं। थाली लगा बेटे। तंदूर एक्सपर्टीज इज ना वेरी अंडररेटेड थिंग। लोगों को लगता है तंदूर हर जगह क्योंकि दिख जाता है ना नॉर्थ इंडिया में, लगता है कितना सिंपल है उसको ऑपरेट करना, वेरी टीडियस एंड मतलब स्पेशलाइज्ड काम है बड़ा। सबसे नाजुक कड़ी क्या होती है कुलचे की बनाने की, उसको आटा लगाना या तंदूर में पकाना? हाँ जी तंदूर पकाना जी। तंदूर में पकाना? हाँ जी। तंदूर में को 19-21 हो गया तो गया गया गया, आटे में तो फिर दोबारा कुछ ठीक कर सकते हो ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। ये आ गया जी आपका नान, ठीक है जी। अच्छा खस्ता है, अभी एक बार मक्खन लगा के फिर दोबारा जाएगा ये। अच्छा जी फिर से जाएगा? हाँ जी दोबारा जाएगा। अच्छा खस्ता हो गया एकदम, अभी खस्ता हो गया इतना, प्लेट कह लो जो भी कह लो उस पर जो फ्रेम पड़ा हुआ ना कुलचे इतने सारे भाई, क्या इसकी तो एक फोटो ली जाए। भाई ने बोला था मैं क्या देखते रह जाओगे।
पड़ेगा मक्खन, मक्खन ट्रीटमेंट, मक्खन लगा के फिर दोबारा, फिर दोबारा जाएगा। दोबारा डालने का क्या रहता है मतलब? क्रिस्पी हो जाता सर, और क्रिस्पी हो जाता थोड़ा। हाँ एक प्लेट लगाना बेटे, फिर से चिपकाया जाएगा इसको। ये बस हेल्प है सर। हाँ चिपकाया जाएगा। भाई सुबह सुबह का ना जलंधर में नाश्ता, अमृतसरी कुलचे, भटूरे, छोले, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये वाली चीज़ मैंने, मेरा नहीं ख्याल, बहुत टाइम में खाया होगा, है ना? लच्छे वाले, हाँ, तंदूर वाले, हाँ, स्टफ्ड परौंठे। प्लेट लगाओ, यहाँ पे लगाओ प्लेट। नान, जो मर्जी बोलो। फाइनल दर्शन कर लो जी, इससे पहले हमारी प्लेट में जाए। हाँ सारा बबलिंग, बबलिंग देख रहे हो? हाँ मक्खन सारा ना जिजिक कर रहा है। सिजलिंग बटर, सिजलिंग बटर, वेरी नाइस। चलो मैं अंदर आता हूँ और टेस्ट करते हैं। अचार की थोड़ी छुट्टी है। अच्छा ठीक है, अचार बनाया ठीक है, बेर का मक्खन के साथ में। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला हमने। ये ऊपर से मसाला पड़ा, मक्खन पड़ा, और ये चूर चूर। एक बार नहीं बेटे, नहीं नहीं हटा हटा ये वाला। थैंक यू विष्णु जी। ओके सर, ओके जी, ओके जी, आओ टेस्ट करते हैं। जरूर 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 माने। एक और क्रश यहाँ पे रखता हूँ, प्लेट ना लगा दो। छोले एकदम हल्के मसाले के रहते हैं ना? हाँ जी ठीक होता है छोले। हाँ सारे स्वाद तो कुछ में, ये तो कुलचे में है। हाँ छोले की थोड़ा कुछ साथ में मिल जाए स्वाद, कुलचे और चटनी में। खट्टी मट्टी चटनी होती है। हाँ जी खाली रह गया था, वापस बढ़ जाएगी। आइए गाइस लेट्स टेस्ट हमारा सबसे पहला ब्रेकफास्ट का ऑप्शन जो है। ओ भाई लच्छेदार मिक्स वाला अमृतसरी, इसको जो भी बोलोगे, कुलचा बोलो, पराठा बोलो, टेस्ट करते हैं। भाई बहुत खस्ता बनाया है, और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल अमाउंट्स ऑफ बटर डला है। मज़ा आ रहा है, मज़ा की ना, मेरे को याद आ रही है बहुत मज़ा। और ये देखो स्टफिंग, पूरे कोने कोने तक ना स्टफिंग भरी हुई है। आलू दिख रहा है, पनीर दिख रहा है, गोभी गोभी डाल डूल के ना एकदम मस्त। एक इसकी बाइट लेता हूँ, भाई इतना लच्छेदार है ना, इसको खाने में ही बंदे को कन्फ्यूजन हो रही है कैसे खाया जाए। खट्टी मीठी चटनी के साथ में ये बाइट लेते हैं। एक जो पहली बाइट तोड़ी थी ना ये यहाँ से, वो एकदम खस्ता थी। अच्छा उसमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं थी, बट अब जो खाया ना स्टफिंग वाली बाइट, मक्खन स्टफिंग और हल्की हल्की तीखी मिर्चा, और मज़ा आ गया भाई। वैसे मोस्टली जो छोले की डिशेज होती है उसमें छोले जो होते हैं स्टार होते हैं, बट यहाँ पे छोले कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इतनी परफेक्ट एकदम खस्ता चीज़ है ना ये। अब चलते हैं अगली जगह पे, आपको दिखाते हैं आलू पराठे, एक और ब्रेकफास्ट का जायका जो मिलता है जलंधर में आपको, बहुत ही कमाल का। चले पेपर पराठे होते हैं, कैसे मतलब? वो पेपर से पहले ही खा सकते हैं पराठे? नहीं नहीं वो पेपर उनको हाफ कर देते हैं बड़े। अच्छा इतना बड़ा साइज होगा उनका। चलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, खाएंगे टेस्ट करेंगे दिखाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है चलें लेट्स गो। ऑटो भी थे, ऑटो वाले भी खा रहे हैं। नहीं नहीं प्लेट वापस करनी है, ऑटो में भी खा रही थी, ऑटो में चलते हैं।